आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ काली जी की तीन मूर्तियाँ, एक 14 फीट की और दो जहाँ तक एक 13 फीट की या 12 फीट की है। इनके अलावा एक दुर्गा जी की भी मूर्ति दिखाऊंगा जो 10 फीट के आसपास की है। तो इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। स्वागत है आपका एक बार फिर से तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। मिलिए आप मुझको रोड पे मिलिए। देखिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर दीजिए। इस वीडियो पे मैं मांग रहा हूँ 300 लाइक, मुझको पता है आप कर देंगे, थोड़ा सा टारगेट है एक पूरा कर दीजिए। मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, आप मेरे लिए लाइक कर दीजिए, 300 लाइक। गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, अभी हम लोग हैं दमोनाका चौक पे। अभी मेरे सामने ही है वो दमोनाका चौक है, उनका एड्रेस भी मुझको पता नहीं है, तो थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उनके पास जा सकते हैं। अगरबत्ती की फैक्ट्री यहाँ कहीं है ना कोई, कमला ना? चलिए जी, पता चल गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए ये है अपनी मेन रोड, यहाँ जाएंगे तो आपको पड़ेगा आधारताल, इस तरफ पड़ेगा दमोनाका, और आज जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए काली जी का मंदिर है यहीं कहीं, और काली जी के मंदिर के बगल से हम लोग को जाना पड़ेगा। हाँ जी, ये आ गया काली मंदिर अपना, और शांति नगर यहीं पे इनके ही अंदर है। अरे कितने सारे गोड़हल के फूल हैं यार, माला बना के लोग बेच रहे हैं। और यहाँ से राइट लेना पड़ेगा अपने को, एक बंदे ने बताया था, और राइट के बाद शायद लेफ्ट बोला था उसने। यहाँ कोई मूर्तिकार, अंकल जी यहाँ कहीं मूर्तिकार रहे ना कोई, ये वाला रास्ता, ठीक है धन्यवाद। अमूल दूध पीता है इंडिया। ओ ओ ओ, फेयर डील फेयर डील। सही जगह है क्या? नहीं, ये तो कुछ और है, ये तो कुछ और है मूर्ति। ओ ये है मूर्तियाँ, काफी लंबा टाल है इनका भी, मूर्तियां तो बड़ी हैं बॉस। ऑल राइट, मैं हूं अज्जू पटेल मूर्तिकार के पास, शांति नगर में है, और रास्ता तो आप देखे ही हैं, और यहां पे मूर्तियों का बहुत सारा कलेक्शन है, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए इस तरफ से जो मूर्तियां रखनी शुरू हुई हैं, पूरी मूर्ति, ये एक रो है, ये बीच में रखी गई हैं, और ये थर्ड रो है वहां तक, और ये माता हैं जो बहुत बड़ी हैं और बहुत सुंदर हैं यार, ये वाली माता गजब की लग रही हैं। आप देखिए जब पेंटिंग होगी ना तब कलर निखर के आएगा। इनके अलावा तीन काली जी इन्होंने यहाँ भी रखे हैं, देखिए बड़ी बड़ी काली जी हैं, एक काली जी ये हैं, दूसरी काली जी ये रखी हुई हैं, ये देखिए, और तीसरी काली जी पर अभी काम चल रहा है। बड़ी बड़ी कितने फीट की हैं भैया ये मूर्तियाँ? ये 12 फीट की है भैया। ये तीनों? नहीं, वो 14 फीट की हैं। और ये? ये 12। ये वाली मूर्ति 12 फीट की, ये काली जी 12 फीट की। हाँ, इतनी पीछे रखी हुई है वो 14 फीट की। और ये देखिए ये 14 फीट की, बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना तो बहुत बहुत हेल्प कर रहे हैं कि भैया ऐसे ले लो शॉट, ऐसे ले लो शॉट, और सारी चीज़ें हटा भी रहे हैं, सपोर्ट मतलब बहुत अच्छा है। एक वो वाली दुर्गा जी मुझको बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, जिनकी हाइट है 12 फीट, जो आपको पहले दिखाया था,
और एक ये दुर्गा जी हैं जो बहुत प्यारी लग रही हैं यार, कलर के बाद ना बेहतरीन कलर उभर के आएगा। इनकी हाइट है 8 फीट और ये हैं शारदा मैया, इनकी हाइट है 7 फीट। ये जो 14 फिट की काली जी हैं इनको ले जाया जाएगा सदर, और ये वाली काली जी जो 12 फिट की हैं ये बैठेंगी अपना विजयनगर में। इनके अलावा एक और काली जी जिन पे काम चल रहा है ये जाएंगी गढ़ा में शुक्ला नगर। ये वाली जो दुर्गा माता हैं ये जाएंगी गोरखपुर हाथीताल, बहुत खूबसूरत लग रही हैं यार, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। एक मिनट चेयर पकड़े। अभी वाइट वॉश हुआ है सिर्फ ये माता में, ये माता में, वो भी आधा आधा हुआ है, और ये माता में। बाकी यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं किसी में भी नहीं हुआ है। आज है 30 तारीख और आज ये लोग बोल रहे हैं कि अब रात को करेंगे,
अभी बज रहा है 6 और 6 बजे से पूरे रात भर ये लोग काम करेंगे। बोल रहे हैं 5 बजे सुबह तक काम करेंगे, उसके बाद सोएंगे 11 बजे तक और फिर 11 बजे उठ के फिर से लग जाएंगे। ये देखिए हम लोग आटा मारते हैं हाथ से, यहाँ मिट्टी मारना पड़ता है ऐसे पैर से, देख रहे हैं पीछे की मेहनत। अभी यहाँ पे एक भैया बोल रहे थे कि यार वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो मैंने बोला यार मैं क्या मेहनत कर रहा हूँ, असली मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, मेरे को तो कैमरा फेंक देना चाहिए ये वाला। यार ये लोग की मेहनत को सलाम है, मैं आऊँगा 1 घंटे में वीडियो बना के चले जाऊँगा, लेकिन ये लोग कितने दिन से करते रहते हैं, रात रात जागते हैं, उसके बाद इतनी अच्छी कला आती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके मैं इतना अच्छा नहीं बना सकता हूँ, ये लोग मिट्टी से बना देते हैं यार। कलाकारी है ये, मेन कलाकारी हम लोग क्या है, आके ऐसी वीडियो शूट कर लिए चले गए। बस यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, अपने सभी जबलपुरिया फ्रेंड्स के साथ इन सारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, मिलो। सबसे खूबसूरत दुर्गा जी यार। यहाँ पे मेन रोड, यहाँ से आप सीधे जाएंगे ना तो वहीं पे मिल जाएगी।